Hello students, in the previous lecture we have seen the advantage of microeconomics and today we will start the new topic, that is meaning of macroeconomics. Ab micro aur macro mein jo difference hai, jaise micro deals with the millionth part of a particular thing, whereas macro basically deals into the aggregates. So let's see the concept and some definitions of the macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics which analyze the entire economy. ये economics का वो branch है जो पूरी economy को study करता है या पूरे economy का क्या करता है, विश्लेषण करता है. It deals with the total employment. ये कोई individual level पे रोजगार का study नहीं करेगा. So it will deal with the total employment, पूर्ण रोजगार, national income, राष्ट्रीय उत्पन्न, नेशनल आउटपुट, राष्ट्र का प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, पूरी देश में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, टोटल कंजम्पशन, पूरे देश में कितनी चीज़ों का कंजम्पशन किया गया है, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, महंगाई, ट्रेड साइकल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा. दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. एक बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल पर्सन के इनकम के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल पर्सन के सेविंग्स के बारे में स्टडी करता है, एवरीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने कलेक्टिवली कितना सेविंग किया है, कितना इनकम जनरेट किया है, कितना एक्सपेंस किया है, इसका स्टडी करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू माइक्रो क्या है, बहुत ब्रॉड है, बिकॉज इट डील्स विद द वेरियस एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमी एट अ ब्रॉड लेवल. दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब टोटल. अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है, लेट्स सी वन बाय वन द डेफिनेशंस बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अमंग दैट द फर्स्ट वन इज जे एल हैंसन. अब देखिए जे एल हैंसन का क्या बोलना है मैक्रो इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र की वो शाखा है या वो ब्रांच है विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट. इसका बेसिकली डील किस में होता है, लार्ज एग्रीगेट मतलब बड़े क्वान्टिटी में टोटल, नॉट ए इंडिविजुअल, सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल पूर्ण रोजगार, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, टोटल उस कंट्री का सेविंग्स कितना है, बचत कितना है, उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक कितनी है, और नेशनल इनकम एक्सेट्रा. सो एवरीथिंग विच इज एट अ ब्रॉड लेवल इट्स कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जे एल हैंसन. अब इसके बाद में एक सेकेंड डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, जो प्रोफेसर कार्ल सेपिरो ने बनाई है. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. जो भी इकोनॉमी में फंक्शंस होते हैं सारे के सारे, उसका स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी एस्पेक्ट है. बहुत सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है जो बहुत मतलब डीप मीनिंग पूरा कंसेप्ट का बता रही है कि इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ अ होल एलिमेंट्स या ऑल एलिमेंट्स एंड एट अ मास लेवल और कलेक्टिवली लेवल एग्रीगेट लेवल इन टू द इकोनॉमी. नाउ वॉट कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब हमें तो पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमी के सारे एलिमेंट्स आते हैं और पूरी क्वांटिटी में आते हैं, बट फिर भी हमें इसका स्टडी स्कोप देखना है, जिसके लिए एक ट्री डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो. सी बेसिकली स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज. ओके, अमंग दैट द फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. लोगों का इनकम कितना है, कितने लोगों के पास में रोजगार है, इससे दो डेटा पता चलता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स आर देयर एंड हाउ मच परसेंट ऑफ वैकेंसीज आर देयर. अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमें वही इंफॉर्मेशन देता है कि इनकम कहाँ से जनरेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जनरेट किया जाए. अब ये कंसेप्ट बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड है. अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए दो कैटेगरीज बताई गई है, दैट इज थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. सी वॉट एवर इज प्रोड्यूस इट मस्ट बी कंज्यूम, ये प्रोडक्शन का ही मतलब एक फॉर्मूला है. सो द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ को
उस इकोनॉमी में कितना कंज्यूम किया गया है उसका स्टडी करता है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो लोगों को सेविंग्स की मतलब आदत है या जो इन्वेस्ट करते हैं सेविंग्स किया गया पैसा, उसके बारे में बताएगा, जो इकोनॉमी को मतलब जीडीपी डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है। देन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, लाइक व्हाट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज नथिंग बट अ पीरियडिकल इंटरवल्स इन द बिजनेस, और इट ऑल्सो शोज द कंडीशन ऑफ द बिजनेस, लाइक एवरी बिजनेस इज एट अ इंट्रोडक्टरी फेज, देन द बिजनेस ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, एपेक्स एंड डिक्लाइन। सो बिजनेस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और सेकंड अगर एलिमेंट अगर हम स्कोप के अंदर देखेंगे तो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जनरल प्राइस लेवल क्या है डिटरमाइन होती है। अब जनरल प्राइस लेवल बेसिकली इट इज़ अ कंसेप्ट जिसमें जनरल प्राइस लेवल एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इससे अगर कम प्राइस में अगर प्रोडक्ट्स अगर बेचे जाते हैं तो दिस कॉज टू द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, और इससे अगर ज़्यादा प्राइस में अगर चीज़ें अगर बेची जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ इन्फ्लेशन। तो जनरल प्राइस लेवल है। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रोथ इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ नेचुरल प्रोसेस, वेयर एज डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड एज अ डिलिबरेट प्रोसेस और मैनमेड प्रोसेस। सो ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते या ग्रोथ बेसिकली नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट डेवलपमेंट को हम क्या है एज पर द ग्रोथ वी कैन मेक इट द डेवलप और अंडर डेवलप। एंड लास्ट वन इज़ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बाद में अगर उसको अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन के लिए बनाया गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। सो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पढ़ेंगे। ओके सो लेट्स सी वन बाय वन द कंसेप्ट्स। अमंग दैट द फर्स्ट वन इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो इनकम मतलब एक माध्यम है जहाँ से जो काम करने के बाद लोगों को पैसा मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कॉजेस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। सी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक बात का एनालिसिस करके हमें ये बताता है कि विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हमारे नेशनल इनकम के लिए किन किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम। क्या वो कारण है जिससे इनकम के लेवल में क्या होते हैं बदलाव आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे कभी इनकम बढ़ सकता है, इनकम कम हो सकता है। बट नॉट ओनली द इनकम बट आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमेशा रोजगार हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, ये स्टेबल नहीं होता है, देयर आर वेरियस फ्लक्चुएशंस, ये कभी बढ़ सकते हैं कभी कम हो सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, एम्प्लॉयमेंट की लेवल डिटरमाइन कैसे होती है, उसके लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टडी करना पड़ता है। देखिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे लोगों के पास में इनकम जनरेट होता है, और जो इनकम जनरेट हुआ है उसके बेसिस पे ही कंजम्पशन होता है। क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास में अगर पैसा नहीं है तो ये एक अंडरस्टैंड होता है कि उसके पास में इनकम नहीं है, अगर इनकम नहीं है तो वो कंजम्पशन भी नहीं कर पाता है। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइन वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। एक कंट्री में एक दिए गए टाइम पीरियड में कितना चीज़ों को या कितने चीज़ों को कंज्यूम किया गया है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इसके बेसिस पे हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को स्टडी कर सकते हैं। सो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस साइकिल क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन लाइफ होती है, हम बच्चे होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, तो वैसे ही बिजनेस की भी एक लाइफ साइकिल होती है कि वो बिजनेस इंट्रोडक्टरी फेज में होता है, फिर वो फेमस होता है, उसके प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, सेल्स बढ़ता है, और इसके बेसिस पे ही क्या होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करते हैं। जैसे बिजनेस अगर बहुत सक्सेसफुल है तो उसका इनकम ज़्यादा होगा, उसके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अगर बिजनेस इंट्रोडक्टरी फेज में है, छोटा बिजनेस है, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। सो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक स्टडी एस्पेक्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन सेकेंड फेज है, दैट इज
थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देखिए प्राइस लेवल मैंने बताया था एक बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन होता है, और इन्फ्लेशन वैसा ही कंसेप्ट है जिसे महंगाई बोला गया है। सी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। जनरल प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करना है ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें बताता है। जैसे मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज टू द फ्लक्चुएशन इन इट, और जनरल प्राइस लेवल क्यों बदलती है उसके भी कारण यहाँ पे बताए गए हैं। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जैसे मैंने बताया कि जनरल प्राइस लेवल से कम अगर प्राइस अगर हो जाती है तो डिफ्लेशन हो जाता है, और प्राइस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन होता है। सो व्हाट कॉजेज टू द चेंजेस और वेरिएशंस इन जनरल प्राइस लेवल एज वेल एज व्हाई द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशंस आर अराइजेस। सो दैट इज अबाउट द सेकंड पॉइंट। देन द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमने 11th में भी देखा है, हमें एक डिस्क्रिमिनेशन दिया गया था, डिफ्रेंसिएशन दिया गया था जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया है। सो ग्रोथ इज बेसिकली नेचुरल फैक्टर वेयर एज डेवलपमेंट इज अ मैन मेड फैक्टर और डिलीवरेड फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही थ्योरी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट बताई गई है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। हमारी इकोनॉमी में क्यों अंडर डेवलपमेंट है, मतलब वाई द रिजल्ट्स आर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन एंड वाई देर इज अ पॉवर्टी, गरीबी क्यों है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम ग्रोथ हो गया या डेवलपमेंट इसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी स्ट्रेटजीज क्या है हमें थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉट एवर इज प्रोड्यूस इट मस्ट बी कंज्यूम। अब ये कंजम्पशन के लिए क्या करना होता है, चीज़ों को अवेलेबल करवा के देना है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिकली नेशनल इनकम जो होता है वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका जो है मतलब कंसिडरेशन दिया जाता है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर, ये जो भी काम करके चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उसको बेच के पैसा कमाया जाता है और इनका कंसिडरेशन चुकाया जाता है। सो बेसिकली मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, कितना रेंट देना है, कितना वेजेस देना है, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल स्टडी ऑल द एलिमेंट्स एट अ ब्रॉड लेवल, एंड दैट इज वॉट द स्कोप और स्टडी एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स अस। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय।